नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। जब मलाइका अरोरा को आया गुस्सा, कह दिया था कि मुझे बनाने में सलमान खान का हाथ नहीं है। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि उन्हें बनाने में सलमान का हाथ है। मलाइका अरोरा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आए दिन अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चे में आती है। जब अरबाज और मलाइका ने तलाक का ऐलान किया था तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें ट्रोल तब किया गया था जब उनका नाम अर्जुन कपूर से जुड़ा। एक्ट्रेस अब कपूर की पार्टी में भी नजर आती है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने अपनी अपकमिंग फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाया है। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता शाहरुख खान के फिल्म दिल से के गाने में छैया छैया से मिली थी। इसके बाद मलाइका अरोरा ने अपने स्पेशल सॉन्ग से फिल्मों में धमाल मचाकर रख दिया था। उन्होंने सलमान खान की दबंग फिल्म में मुन्नी बदनाम सॉन्ग से सबका दिल भी जीत लिया था। हालांकि इसके बाद मलाइका अरोरा को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी और उन्हें आइटम गर्ल्स तक का टैग दे दिया गया था। सलमान खान के परिवार से ताल्लुक रखने के कारण मलाइका अरोरा को काफी निशाने पर भी लिया गया था। एक्ट्रेस राखी सावंत ने तो ये तक कह दिया था कि सलमान खान से कनेक्शन होने के कारण मलाइका अरोरा को आइटम गर्ल कहा जा सकता है। हालांकि एक्ट्रेस का जवाब देने से खुद मलाइका अरोरा भी पीछे नहीं हटी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मुझे सलमान खान की हर फिल्म में होना चाहिए। जो भी गाने वो करते हैं उसमें मेरा स्पेशल अपीयरेंस होना चाहिए। उन्होंने मुझे नहीं बनाया, मैं सेल्फ मेड महिला हूँ। बता दी कि मलाइका अरोरा ने सलमान खान की दबंग में और दबंग 2 में स्पेशल सॉन्ग किया था। बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश डीवा मलाइका अरोरा अक्सर अर्जुन कपूर को डेट किए जाने के कारण चर्चे में रहती हैं। मलाइका पर अक्सर इस बात का भी सवाल उठाया जाता है कि वह अपने से 10 साल से भी ज्यादा छोटे अर्जुन कपूर को डेट कर रही है। हालांकि मलाइका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे इस मुद्दे पर मलाइका पहले भी जवाब दे चुकी हैं। वो अपने हर इंटरव्यू में मलाइका कहती हैं कि जब एक आदमी मूव ऑन करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक औरत मूव ऑन करती है तो वह पाप हो जाता है। क्यों? जब एक आदमी अपने से छोटी महिला को डेट करता है तो लोग उसे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अगर एक महिला अपने छोटे उम्र के आदमी को डेट करे तो लोग कहते हैं कि आखिर क्या गलत सोच रही है। मलाइका ने कहा कि इस तरह का भेदभाव हमेशा से है, यह दुखी करने वाला है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बदलाव आएगा। काफी कुछ बदल रहा है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है जहां पे हर लोग बदला हुआ हो, जब किसी बात के लिए किसी को ट्रोल ना किया जाए। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से हम खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।